लेकिन दीपक सर हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं और आप उनके उनको बधाई दे सकते हैं कम से कम मौजूदा वक्त में असम के लिए, जहां पर बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है 64 और बीजेपी ने बढ़त बना ली है 70 सीटों पर। दीपक नमस्कार, आप बधाई। जी मैं उनको बधाई तो दे सकता हूं असम के लिए, लेकिन आरपी सिंह साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में कैलकुलेशन कहां गड़बड़ाया गया शुरुआती रुझानों में। चिंता मत करिए दीपक, मैं वही कह रहा था कि और 2 घंटे बाद मैं वापस अभी मैंने रिक्वेस्ट भेज दी कि 2 घंटे बाद आपके चैनल पर वापस आऊं और बधाई आपसे बंगाल की भी लूंगा। और एक समझ लीजिए, पार्टी विदाउट द लीडर, ममता पार्टी विदाउट ममता बनर्जी कैसी पार्टी होगी, क्या हालत होगी। जैसे जादवपुर में वासुदेव भट्टाचार्य के चलते हारने के बाद जो लेफ्ट पार्टी का हुआ, वही हाल इनका होने वाला है, सुनिश्चित समझिए। ये नंदीग्राम वाटरलू होगा बंगाल के लिए, टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए, ये स्पष्ट है, इसमें आप सुनिश्चित समझिए। सिर्फ नंदीग्राम नहीं, थोड़ा 2 घंटे से वर्का समझ लीजिए, मुझे फीडबैक है, मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपको कुछ बोल दूंगा परेशान लेंगे, आप थोड़ा देर 2 घंटे भर का समय दीजिए, आपको किस किस पॉकेट से कैसे कैसे क्या क्या चमत्कार हो रहा है वो दिखेगा।